प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से हर जगह परेशानी का सबब बना हुआ है। इस बारिश ने हर जगह भूस्खलन और बाढ़ क्षेत्र में काफी नुकसान पहुंचा है। नूरपुर क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में भी बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। नगर परिषद नूरपुर के तहत आने वाले वार्ड नंबर 9 में लगभग 15 घरों का खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ी पर बने इन घरों के साथ पहले भी कई बार भूस्खलन होता आ रहा था, जिसे लेकर क्रेटवाल से इसे रोका गया था, लेकिन भारी बारिश से बनाए गए ये क्रेटवाल लगातार खिसक रहे हैं, जिससे इन घरों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं। इन लोगों की माने तो ये पूरी रात जाग कर रात गुजार रहे हैं। इन्हें ये डर है कि कब किस वक्त ये पहाड़ी दरक जाए, ये कहा नहीं जा सकता। दरारें आ रही हैं, सारे कमरों में दरारें हैं, नीचे से जमीन जो है बैठती जा रही है। प्रशासन के आगे यही गुहार है कि जहाँ तो हमें जमीन मुहैया कराई जाए, 5-5 मरले, जहाँ इसका कंक्रीट के जो डंगे हैं जो नीचे नाले से लगते आए, तब इसकी रोकथाम हो सकती है। बाकी 16 परिवार हैं, पता नहीं कब क्या होगा या क्या नहीं होगा। जब बारिश आए तो वजन बहुत है ऊपर, ऐसे भी हो सकता है कि सारे के सारे नीचे को चले जाएं। तो सरकार के आगे यही गुहार है कि हमारे जो मकान है, जहाँ तो हमारे को जमीन मुहैया करवाएं, जहाँ तो इनकी मरम्मत करवा के, जहाँ तो नीचे नाले से डंगे जो लगते आए कंक्रीट, तब इसकी रोकथाम हो सकती है। भाई सरकार हूं दिखी लो भाई, मकान साड़ा सारा फटी गया, अंदर भी सोने का भी डर लगता है। अच्छा, ये जितनी दरारें आई हैं इस बार ही आई है या पहले भी थी जी? इस बार ज्यादा आई है, आई पहले भी आई है, माड़ा माड़ा सिमट लाइए फिर पूर दिन दे रहे हैं। अच्छा। इस बार तो ज्यादा आई है मकान। इसका कारण क्या नहीं जो क्रेड क्रूड जो खिसकी है, वो क्या क्रेड भी खिसकने वाले ने, इधरों तो खिसकी जाते, इधरों भी नहीं लगा रहे खिसकी जाने। हूँ सरकार है भाई, दिखी लो भाई, हाँ मकान सारा था, इतना पैसा लाया था, सारा गर्क हो गया, हम भाई पे जगह जुगा दे दें, साके गरीब राही तक ध्याड़ेदार बंदे हैं। मौके का जायजा लेने एसडीएम नूरपुर भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सभी घरों पर दरारें आ चुकी हैं, जिसके लिए कार्यकारी अधिकारी को भी प्रबंध करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ती तो इन परिवारों को शिफ्ट करने को लेकर भी विचार किया जाएगा। मैंने आज जो है ईओ और जेई के साथ मिलकर और हमारे वार्ड नंबर 9 जो नियाजपुर है उनके पार्षद अश्विनी जी के साथ मिलकर दौरा किया है और स्पॉट इंस्पेक्शन किया। स्पॉट इंस्पेक्शन में ये सामने आया है कि यहाँ पर जो है इस रिज पे 16 परिवार रहते हैं और भारी वर्षा से जो है जमीन का स्ट्रेटा जो काफ़ी लूज फ्रजाइल हो गया है और लोगों के घर में दीवारें आ गई हैं, दरारें आ गई हैं। और इसमें मैंने विभाग को निर्देश दिया है, कमेटी को, कि वो फौरन जो है जो पानी की निकासी है उसको प्रॉपर सुनिश्चित करें और जो है इसकी एक डिटेल एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, सो दैट कि आने वाले टाइम में हम इस जो हिल है ये जिसके ऊपर ये नियाजपुर स्थित है, इसके प्रोटेक्शन प्रॉपर तरीके से कर पाएं और इस जगह को रहने लायक सुरक्षित प्लेस बनाया जा सके। हम इस जगह को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अगर लगता है कि ये जगह जो है, अगर डिपार्टमेंट से मैं इसकी जो अलग डिपार्टमेंट से भी मैं इसमें रिपोर्ट्स लेने वाला हूँ, टेक्निकल रिपोर्ट्स मैं लेने वाला हूँ, अगर इस प्रकार की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाती है कि यहाँ पर जो है सुरक्षित रहना संभव नहीं है, तो उस केस में मैं ज़रूर सरकार के ध्यान में लेकर आऊँगा इस बात को और इन्हें शिफ्ट कराने का प्रयास भी किया जाएगा। लेकिन अभी ये बोलना बहुत जल्दी होगा कि ये जगह असुरक्षित है, बट इसमें क्रैक्स, अलग अलग साइजेस के क्रैक्स हर घर में आ चुके हैं।